गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? लिप्स को साफ कैसे करें? लिप्स को, लिप्स पर अगर पिगमेंटेशन हो गई है, लिप्स काले हैं, तो लिप्स को कैसे साफ करें? लिप्स को साफ करने का बेस्ट तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपके लिप्स की जो डेड स्किन है वो तो हटेगी, साथ में आपकी लिप्स पर एक बहुत ही अच्छा ग्लो भी आएगा। क्योंकि लिप्स की मसाज के बारे में बात कर रही हूँ, आपको लिप्स की स्क्रब, लिप्स पे जो है ना स्क्रब करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने बहुत सारे वीडियो में भी ऐसा देखा होगा कि लिप्स को मसाज की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिस तरह हमारे चेहरे को मसाज की ज़रूरत होती है एक अच्छा ग्लो पाने के लिए, उसी तरह हमारे लिप्स को भी एक अच्छी चमक पाने के लिए स्क्रब की भी ज़रूरत होती है। तो आप अपने लिप्स पर स्क्रब करके अपने लिप्स की और भी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको बस चाहिए होगी बस ये सिंपल सी चीज़ें जो आसानी से आपको मिल जाएंगी। आपको बस करना क्या है, हनी लेना है, शहद, शहद आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। तो शहद लेने, एक चम्मच शहद में आपको एक चम्मच ग्लिसरीन जो आता है, ग्लिसरीन जो आपको आसानी से मिल जाएगा, तो ग्लिसरीन को लेना है और आपको उसमें मिक्स करनी है चीनी, चीनी पाउडर हो, अगर ऐसे साबुत चीनी है तो उसको आप पीस के मिक्स कर लीजिए एक चम्मच। दोनों तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपको अपने लिप्स की स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग कैसे करनी है, अच्छे से मालिश करनी है और एक दो मिनट के लिए ऐसे ही स्टॉप कर देना है। आप इसे करके देखिए, आपके लिप्स की चमक बढ़ जाएगी और आपके लिप्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, जो डेड स्किन है वो हट जाएगी। लिप्स पर नेचुरल तरीके से आपको अगर अपने लिप्स को अच्छा बनाना है तो एक इससे बढ़िया बेस्ट रेमेडी आपको मिलेगी नहीं। आप कर सकते हैं, इसको फॉलो करके देखिए, आपके लिप्स जो है इतने खूबसूरत दिखेंगे और साथ में जो इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, आप खुद देखेंगे इसका रिजल्ट जब आप लगाएंगे। तो उसके बाद आप ये स्क्रबिंग हो गया, स्क्रबिंग करने के बाद आप अपने लिप्स पर कोकोनट ऑयल या फिर बादाम का एलमंड ऑयल भी आप इस्तेमाल करें, ताकि आपके लिप्स जो हैं हमेशा चमकते रहें। अच्छा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।